ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एमबीटेक्सो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो फोनों को कंपेयर करने वाले हैं, एक है वन प्लस सिक्स, दूसरा है वीवो X21। तो दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा दोस्तों कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट हुआ है। तो दोस्तों, बिना वक्त दिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंपेयर करते हैं बैक साइड से। तो वन प्लस सिक्स में हमें मिलते हैं बैक साइड में डुअल रियर कैमरे 16+20 मेगापिक्सल के, जिसका पर्चर मिलता है 1.7 एंड 1.7 का। और बैक में दोस्तों हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है और बैक में मिलता है हमें ग्लास बॉडी का पैनल। वहीं वीवो X21 में भी हमें डुअल रियर कैमरे देखने को मिलते हैं बैक में 12+5 मेगापिक्सल के, जिसका पर्चर मिलता है 1.8 एंड 2.4 का। और बैक में दोस्तों हमें ग्लास बॉडी का पैनल देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। अब चलते हैं फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में वन प्लस सिक्स में हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल कैमरा F2.0 पर्चे के साथ में। वहीं बात करते हैं वीवो X21 की, तो इसमें हमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है 2.0 पर्चे के साथ में। दोस्तों, कैमरे की बात की जाए तो वन प्लस सिक्स काफ़ी बेटर है कैमरे के मामले में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की, तो वन प्लस सिक्स में हमें मिलती है 6.28 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले विद 99x के साथ में, जिसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, ये ऑप्टिक एम्बेडेड डिस्प्ले इसमें मिलती है हमें। वहीं करते हैं वीवो X21 की बात, तो इसमें हमें दोस्तों 6.28 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है विद 99x के साथ में, और इसमें हमें सुपर एम्बेडेड डिस्प्ले देखने मिलती है। और दोस्तों, इसमें हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है, जो अभी तक वीवो ही इंडिया में दे पाया दोस्तों। वहीं बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसर की, तो वन प्लस सिक्स में हमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 का प्रोसेसर, जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 2.8 GHz पर क्लॉक करता है। और GPU तौर पर हमें इसमें एड्रेनो 630 मिलता है। और दोस्तों, ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और आपको फ्लैगशिप डिवाइस में ही देखने के लिए मिलेगा। वहीं बात करते हैं वीवो X21 की, तो इसमें हमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर, जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 2.2 GHz पे क्लॉक करता है। और GPU तौर पे इसमें हमें 512 मिलता है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी बेटर प्रोसेसर मिलता है हमें वन प्लस सिक्स में दोस्तों। और दोस्तों, दोनों ही डिवाइस में हमें 8.1 ओरियो मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। दोस्तों, अब कंपेयर करते हैं रैम एंड स्टोरेज एंड प्राइस को, तो वन प्लस सिक्स में हमें तीन वेरियंट देखने को मिलते हैं, 6GB+64GB, जिसका प्राइस रखा गया दोस्तों इंडिया में 34,999 और 8GB 128GB का रखा गया है 39,999 और 8GB 256GB का रखा गया है 44,999। वहीं वीवो X21 की बात की जाए, तो इसमें हमें एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है 6GB+128GB का, जिसका प्राइस इंडिया में रखा गया दोस्तों 35,990। दोस्तों, अब कंपेयर करते हैं बैटरी को, तो वन प्लस सिक्स में हमें मिलती है 3300mAh की बैटरी, जो इसकी अपनी फास्ट चार्जिंग डैश चार्जिंग के साथ आती है दोस्तों। वहीं वीवो X21 में हमें 3200mAh की बैटरी मिलती है, जो इसमें हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। और सेंसर की बात की जाए, तो दोस्तों वन प्लस सिक्स में हमें सभी तरह के सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों, साथ में NFC का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं वीवो में भी हमें सारे सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों, मगर इसमें हमें NFC का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता दोस्तों। तो फाइनली इन दोनों डिवाइस में आपको यही सारे स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे इंडिया में। अब बात आती है दोस्तों ओपिनियन की, तो वन प्लस सिक्स काफ़ी क्लियर प्राइस के साथ, काफ़ी क्लियर स्पेसिफिकेशन के साथ आता है दोस्तों। वहीं वीवो X21 में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, जो वीवो ने इंडिया में सबसे पहले प्रोवाइड किया है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इन दोनों से कौन सा फ़ोन पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।